आपने अपने आसपास अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि यार काम बहुत है और टाइम बिल्कुल नहीं है, है ना? दूसरों का क्या, हम खुद भी यही कहते हैं। आज की भाग दौड़ के ज़माने में किसी के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या लोगों के पास सच में बहुत ज़्यादा काम है? इसके लिए ऑथर कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो ज़्यादा है, लेकिन वो शैलो वर्क है। उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। ज़्यादातर लोग घंटों ईमेल्स चेक करेंगे, ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ेंगे, फेसबुक के कमेंट्स पढ़ेंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे, ब्लॉग्स पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब्स देखते रहेंगे। ये सब कहने को तो काम है, लेकिन ये डीप वर्क में नहीं आते। अगर आपको लाइफ में दूसरों से आगे बढ़ना है तो डीप वर्क करना सीखना होगा। बट पहले चलो इसका मतलब समझ लेते हैं। डीप वर्क का मतलब है अपने काम में डूब जाना, काम में इतना खो जाना कि किसी चीज़ का होश ही ना रहे। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपना मनपसंद काम करेंगे। आपको वो अर्जुन की चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने वाली स्टोरी तो याद होगी। निशाना लगाने से पहले के दिन रात की प्रैक्टिस को ही डीप वर्क की कैटेगरी में रखा जाता है। इससे आपके काम में ऐसी क्वालिटी आएगी कि लोग आपके काम को नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यह डीप वर्क करते कैसे हैं, इस किताब में यही सिखाया गया है। तो आइए इसकी समरी देखते हैं। इस किताब के दो पार्ट्स हैं जो कुछ इस तरह से हैं। पार्ट वन, आइडिया ऑफ डीप वर्क। इस पार्ट में तीन चैप्टर्स हैं और हम उन्हीं चैप्टर्स को शॉर्ट में समझेंगे। चैप्टर वन, व्हाई डीप वर्क इज वैल्यूएबल। गहराई से काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि डीप वर्क करना जरूरी क्यों है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग काम के नाम पर बस फॉर्मेलिटी करते हैं। इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बहुत लगन से असाइनमेंट बनाते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे असाइनमेंट बनाते हैं मानो घास काटी हो। अब आप बताइए टीचर किस असाइनमेंट्स को ज़्यादा मार्क देगा? ऐसे ही दूसरे एरियाज़ में भी देखा जाता है। अगर कोई ढाबे वाला जल्दबाजी में खाना बना देगा तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा, ऐसे खाने को कौन खाएगा? तो इसीलिए हमें डीप वर्क करना चाहिए। ऊपर तो नॉर्मल एग्जाम्पल दिए गए थे, लेकिन डीप वर्क से वास्तव में आप में दो एबिलिटी पैदा हो जाती हैं जो आपको सारी दुनिया से आगे कर देती हैं, और तभी आप एवरेज से ऊपर उठते हो और लाइफ में सफल होते हो। तो वे दो एबिलिटीज़ हैं, वन, यू लर्न टू डू कॉम्प्लिकेटेड टास्क, आप मुश्किल काम करना सीखते हो। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हैं तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना सीख सकते हो। जैसे डॉक्टर बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं, अगर वो उसे पूरे ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे ही नॉवल लिखने वाले ऑथर भी अपने नॉवल में पूरा डूब जाते हैं और तभी मास्टरपीस पैदा होता है। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नॉवल की 7 किताबें ऐसे ही लिखी थी। लिखते समय वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती थी और अपने लेखन में पूरी तरह रम जाती थी। इसी से वे इतने बड़े बेस्ट सेलर नॉवेल्स लिख पाई। ऐसे ही पेंटर्स कई दिन तक अपनी पेंटिंग्स पर घंटों काम करते हैं, तब जाकर कोई विश्वविख्यात पेंटिंग बनती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो तो डीप वर्क करना सीखें। इससे आपको मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि डीप वर्क से आपका दिमाग केवल उस काम में लग जाता है और इधर उधर नहीं भागता। नंबर टू, यू लर्न टू फिनिश अ क्वालिटी वर्क फास्ट, आप काम को जल्दी निपटाना सीख जाते हो। डीप वर्क करने से जो आप में दूसरी एबिलिटी आती है वह है स्पीड। आप क्वालिटी वर्क करना तो सीखते ही हैं, लेकिन इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जब आपने शुरू में कार चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत डर लगा होगा या आप धीरे धीरे चला रहे होंगे, लेकिन जब एक बार आप उसे सीख जाते हैं तो फिर ध्यान चाहे गानों पर हो, आप अपने आप ही स्पीड से कार चला लेते हैं। खैर, कार तो नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन अगर आपको स्टडी करनी हो और उसमें पूरा फोकस डाल दें तो आप बाकी स्टूडेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा याद कर पाएंगे। लेकिन आपको यह बार बार करना होगा, इससे आप सारी किताबें दूसरों के मुकाबले फास्ट पढ़ पाएंगे। इसलिए डीप वर्क करें, शैलो वर्क नहीं। चैप्टर टू, डीप वर्क इज रेयर, डीप वर्क दुर्लभ है। दोस्तों, आपने पुराने जमाने के राजाओं के किले तो देखे ही होंगे, क्या उनका आर्किटेक्चर्स देखकर हम मेस्मराइज नहीं हो जाते? इतने बड़े बड़े किले,
इतनी महीन नक्काशी, इतने शानदार डिज़ाइन आदि, और वो भी तब जब मशीनें नहीं होती थीं। यही था डीप वर्क, राजा का उस समय के इंजीनियर को डिज़ाइन बताना, इंजीनियर्स अपने वर्कर्स को काम समझाना और वर्कर्स का उस काम को रियलिटी में उतारना, ये सब डीप वर्क था। उन लोगों ने इतनी महान चीज़ें बनाई हैं कि लोग आज भी उन्हें देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आजकल के घरों को देख लो, ऐसा लगता है बस रेक्टेंगल या क्यूब बना दिए गए हों, चार दीवारें, एक छत और एक फर्श, बस बन गया कमरा। हर घर आजकल एक जैसा ही लगता है। पहले घरों की भी अपनी पर्सनालिटी होती थी, लेकिन अब तो घर भी कॉपी पेस्ट जैसे लगते हैं, और ये सब बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि डीप वर्क दुर्लभ हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम भीड़ में भी स्टैंड आउट करता है। स्टीव जॉब्स हमेशा डीप वर्क किया करते थे। जब सब लोग सो रहे होते थे, वे काम में जुटे रहते थे, और नतीजा सबको पता है। लेकिन आजकल के लोग डीप वर्क क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे ज़रूरी और गैर ज़रूरी में अंतर नहीं समझ पाते। जब एक एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारा काम है, वे हर ईमेल का जवाब देने लगते हैं, उससे उनका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। बहुत से ईमेल का उत्तर देना ज़रूरी नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने हेट मेल भेजी है, तो इसे पढ़कर एम्प्लॉय का मूड ख़राब हो जाएगा और वह बहुत सा टाइम उसका सही रिप्लाई देने में लगा देगा। इससे वह डीप वर्क कैसे कर पाएगा? इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ बिज़ी नज़र आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं, इससे उन्हें लगता है कि वे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आधे घंटे में पावर पॉइंट बनाया है, इसके बाद दो घंटे तक उसे लाल पीला करता रहेगा, उसे लगेगा कि वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसे डीप वर्क नहीं कहा जा सकता। इससे तो अच्छा था कि उस समय वह रिसर्च करके और अच्छा आइडिया निकाले और अच्छा डेटा निकाले। फेसबुक ने बहुत ही रोचक चीज़ शुरू की है जिससे एम्प्लॉई डीप वर्क कर सके। एम्प्लॉयज़ को कैबिन देने के बजाय वे एक ही हाल में बैठने के लिए बोलते हैं। इससे सारे लोग मिलकर काम कर पाते हैं। किसी को कुछ भी पूछना होता है तो बोलकर ही पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि उसके कमरे तक जाने में बहुत सा टाइम वेस्ट कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ सरकारी दफ्तर में फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूमती रहती है और कोई काम नहीं हो पाता। तो दोस्तों, डीप वर्क दुर्लभ हो चुका है। आप इस दुर्लभ चीज़ को करना सीखें, इससे आप भीड़ से अलग नजर आएंगे और इसी से आगे चलकर सफलता भी पालेंगे। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। डीप वर्क बहुत काम का होता है। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी चीजों को मास्टरपीस कहा जाता है, वे सब डीप वर्क की ही मिसाल है। लियोनार्डो डा विंची के स्कल्पचर हों या पिकासो की पेंटिंग्स, सब अपने काम में खो जाते थे। उन पर डिस्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता था। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, वे महान कलाकार हमेशा काम किया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और उसमें लगन थी। इस किताब में रिक फ्यूरर का एग्जाम्पल दिया गया है। वे लोहार या ब्लैक स्मिथ का काम करते थे। वे पुराने ज़माने की तलवारें बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो हिस्टोरिक फिल्मों में भी इस्तेमाल होती हैं। यह तलवारें किसी मशीन से नहीं बनाई जा सकती। रिक इन्हें अपने हाथ से बनाते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में उन्हें 8 घंटे लगते हैं और हथौड़े की हर चोट सटीक पड़नी चाहिए। रिक अपना डीप वर्क सीख चुके हैं। अब उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती, ना ही वे अपने काम से ऊबते हैं और ना ही थकते हैं, क्योंकि उन्होंने डीप वर्क सीख लिया है। वे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वे काफ़ी फेमस हैं और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर लॉरा कास्टेन ने एक बार ब्रेन के एमिगडाला पर एक रिसर्च की थी। एमिगडाला हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज दिखाई और MRI के जरिए एमिगडाला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि जब सक्सेसफुल लोगों को नेगेटिव इमेज दिखाई गई तो एमिगडाला ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई गई तो उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसके उल्टा, गरीब या छोटी जॉब करने वालों के एमिगडाला ने दोनों ही इमेज के लिए काफ़ी रिस्पॉन्ड किया। इससे लॉरा ने कंक्लूजन निकाला कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वे नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उलझते। वे केवल पॉजिटिव चीज़ों को पसंद करते हैं और उनकी ही तारीफ करते हैं। यही कारण है कि वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से झगड़े पर सारी ज़िंदगी बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इन एग्जाम्पल से हमें
यही पता चलता है कि डीप वर्क ही मीनिंगफुल है और हमें सच्ची खुशी देता है, क्योंकि यह उन्हें सफल बना देता है जिससे पैसा और अमीरी खुद हमारे पास आ जाती हैं। जैसे रिक ने अपने काम पर डीप वर्क किया, आज वे बेहद अमीर, फेमस और सक्सेसफुल हो चुके हैं, सिर्फ पुराने ज़माने की लेकिन बेमिसाल तलवार बनाने के लिए। जबकि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसे मीनिंगफुल बनाएं, उस पर डीप वर्क करें। चलिए इस बुक के पार्ट टू को समझते हैं। पार्ट टू, रूल्स, डीप वर्क करने के नियम। पहले पार्ट में हमने डीप वर्क के बारे में सीखा और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि डीप वर्क आखिर करें कैसे। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कोई ऑथर लिख रहा है और कोई बीच में आकर उसे डिस्टर्ब कर देगा तो उसका फ्लो ख़राब हो जाएगा। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए ऑथर ने अरस्तु का बनाया हुआ यूडेमोनिया मशीन का कॉन्सेप्ट समझाया है। अरस्तु महान फिलोसोफर थे जो ग्रीक में पैदा हुए थे, वे अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी गुरु थे। द यूडेमोनिया मशीन एक तरह का स्थान होता है जिसमें 5 कमरे होते हैं। कमरों के ऊपर 1 से 5 तक नंबर लिखे होते हैं। आपको डीप वर्क सीखने के लिए एक एक करके उस मशीन के सभी रूम में जाना होता है। रूम नंबर 1, सबसे पहले आदमी को पहले कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह जिम्मेदार होगा। इससे वह इंसान थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा होता है क्योंकि वह इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है और सोच लेता है कि मुझे अब कुछ देर के लिए सीरियस हो जाना है। रूम नंबर 2, इस कमरे में उससे काम से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो आपको क्यूरियस और एक्साइट कर देते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही बड़े बड़े आविष्कार हो पाते हैं। रूम नंबर 3, तीसरे रूम में अब उसे काम दे दिया जाता है। वहाँ वह सारी चीज़ें होती हैं जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि उसे काम छोड़कर इधर उधर ना जाना पड़े। रूम नंबर 4, इस रूम में उससे कहा जाता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाइए। इसमें पेपर्स में सारे स्टेप्स लिखने के लिए कहा जाता है। रूम नंबर 5, अब उसे आखिरी कमरे में भेजा जाता है। यह कमरा साउंड प्रूफ होता है, यहाँ आप अकेले होते हो और कोई आ जा भी नहीं सकता। यहाँ उसने जो स्टेप्स लिखे थे उन पर काम करना शुरू किया। उस इंसान को लगातार 90 मिनट्स तक काम करने के लिए कहा जाता है और फिर 90 मिनट्स की ब्रेक भी दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वह काम पूरा ना हो। तो दोस्तों, अरस्तु सदियों पहले अपने शिष्यों को इस तरह की ट्रेनिंग देते थे। इससे वे युद्ध कला से लेकर हर सब्जेक्ट में बहुत निपुण हो जाते थे। सबको पता है कि अलेक्जेंडर ने कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। आपको यह कॉन्सेप्ट सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कभी किसी सैनिक को अकेले काम करना पड़ जाए तो बिना ट्रेनिंग के वह स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग ली होगी तो वह अकेलेपन से घबराए बिना अपना उचित काम कर पाएगा। लेकिन आज के मॉडर्न कल्चर में हम चारों ओर से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, ऐसे में डीप वर्क कैसे होगा? अगर आप कमरे में अकेले भी हैं तब भी अकेले नहीं होते हैं। कभी ईमेल आ जाते हैं, कभी सोशल मीडिया डिस्टर्ब कर देता है, थोड़ा सा कमेंट पढ़कर ही आपका दिमाग उस डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है और आपका अपने काम से फोकस हट जाता है। इसलिए अगर आपको डीप वर्क करना है तो यूडेमोनिया मशीन के 5 स्टेज की तरह करें। पहले काम डिसाइड करें, फिर थोड़ा सीरियस हो जाएं, फिर क्यूरियोसिटी जगाएं, फिर आइडिया लिख लें और उस पर काम करने में जुट जाएं। इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा क्वालिटी आएगी। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। दोस्तों, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए, सबको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए, कोई भी बोर नहीं होना चाहता। हालत इतनी बुरी है कि बेटा अपने माँ बाप के साथ बैठा हो फिर भी फ़ोन पर लगा हुआ होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको डीप वर्क करना है तो बोरियत को गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई महान काम कर रहे हों तो बोरियत हो ही जाएगी, लेकिन आपको वह काम तब भी करते रहना है। आपने देखा होगा कि क्लासिकल म्यूज़िक कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक होते हैं जो उसे बड़ी आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो वे ऐसा कर पाते हैं, उत्तर सबको पता है। उन्होंने सालों साल रियाज किया होता है, एक एक राग को लाखों बार प्रैक्टिस किया होता है।
आपको क्या लगता है, इसमें उन्हें बोरियत नहीं होती होगी? ज़रूर होगी, लेकिन उन्होंने बोर होना मंजूर किया होगा, बोरियत से भागे नहीं होंगे, लगे रहे होंगे। दोस्तों, हर समय मस्ती मजाक सही नहीं होता। ऑथर ने कहा है कि अपने लिए कुछ फन टाइम निर्धारित कर लें, उस समय आप बेशक मौज मस्ती करें, लेकिन डीप वर्क के लिए भी टाइम स्केड्यूल करें और उसे पूरे नियम से फॉलो करें। आंधी आए या तूफान, उस पर हर दिन जुट जाएं, पूरा करते रहें। एक दिन जब आपको सफलता मिल जाएगी या आपको उस कला में महारत हासिल हो जाएगी, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मस्ती मजाक को सेक्रीफाइस कर दें अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो। छोटे मोटे काम के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक या टैलेंट वाले काम हैं तो आप डीप वर्क का यह रूल ज़रूर अप्लाई करें। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह बन गया है। एक ही घर के लोग आपस में बात नहीं करते, सब अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, तो कोई यूट्यूब पर। कभी आपने सोचा है कि आज तक आपने जो कुछ भी वीडियोस देखे हैं उनसे आपको वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है? ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोग फ़ायदे के वीडियोस कम देखते हैं और अनाप शनाप ज़्यादा। ज़्यादातर बच्चे सड़ी के वीडियोस देखने के बजाय फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियोस में घुस जाते हैं। डीप वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑथर ने सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा है। जब आप अपना डीप वर्क कर रहे हो तो उस समय सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाएं। मान लीजिए आप कोई नॉवल लिख रहे हैं और बीच में फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ लेते हैं, इससे आपके दिमाग में हज़ारों तरह के विचार आ जाएंगे, आपका अपने नॉवल से ध्यान हट जाएगा। इस तरह से आप एक महान नॉवल लिखने के बजाय वैसा नावल नहीं लिख पाएंगे। आपने कभी सोचा है जैसा लिटरेचर पहले लिखा जाता था, अब वह क्वालिटी कहाँ गायब हो गई है? क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि उनके अपने विचार कहीं खो जाते हैं। अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, तभी आपके दिमाग में आपके असली विचार आएंगे, तभी आप महान नावल लिख सकते हैं या अपनी कोई कलाकृति बना सकते हैं, वरना आपके दिमाग में सोशल मीडिया से जुड़े विचार आते रहेंगे। ऑथर ने उन विचारों को कचरा कहा है। जैसे ही आप कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते हैं तो आपका दिमाग उस न्यूज़ को ही एनालाइज करने लग पड़ता है, घंटों तक वही फालतू विचार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। जबकि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने दिमाग को इन फालतू विचारों से खाली करना होगा, तभी आप अपनी कला में डीप वर्क ला पाएंगे और तभी आप कोई मास्टरपीस बना पाएंगे। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। इस रूल में ऑथर ने बताया है कि शैलो वर्क को पूरी तरह से हटा दें। शैलो वर्क वह होता है जिसे आप लेजी होकर करते हैं, उसमें आप कंसंट्रेट नहीं करते हो, जो बहुत लंबा खींचता है और समाज के लिए किसी खास वैल्यू का नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका बड़ा गोल है उस पर डीप वर्क करें। डीप वर्क गहराई से किया जाता है, इसलिए वह जल्दी ख़त्म हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान और लगन से स्टडी करते हैं, जहाँ दूसरे बच्चे 8 घंटे में अपना लेसन लर्न कर पाते हैं, वहीं ऐसे बच्चे 4 घंटे में ही कर लेते हैं, क्योंकि वे स्टडी करते वक्त हिलते नहीं हैं और कमरा बंद करके सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देते हैं। एक कंपनी ने बहुत रोचक एक्सपेरिमेंट किया। 37 सिग्नल्स कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी। उन्होंने हफ्ते में 5 दिन काम करने की जगह 4 दिन काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि इससे उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा, मतलब अब 5 दिन में भी उतना काम होता था जितना 4 दिन में होता था। इसका कारण था, उन्होंने डीप वर्क करने पर फोकस किया, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन थे उन्हें हटा दिया। कोई भी एम्प्लॉई बार बार फ़ोन चेक नहीं कर सकते थे, सब अपने काम पर फोकस करते थे, फालतू के ईमेल्स को रिप्लाई नहीं दिया जाता था। तो इस तरह सब सबक ले सकते हैं कि डीप वर्क से काम जल्दी किया जा सकता है, शैलो वर्क से वही काम लंबा खिंच जाता है। अगर आपके स्टार्टअप है तो ईमेल्स का जवाब देने में ही टाइम वेस्ट ना करें। बहुत से ईमेल्स किसी काम के नहीं होते हैं, बहुत से कस्टमर बिना बात के भी ईमेल्स लिखते रहते हैं, इसलिए उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपनी इमेज ऐसी बनाएं कि लोग आपको केवल सीरियस काम के लिए ही ईमेल लिखें। 4, फिलॉसफीज फॉर डीप वर्क। इसके बाद ऑथर ने डीप वर्क के लिए 4 तरह की फिलॉसफीज बताई हैं। इसमें जो भी आपको सूट करती है आप उसे अपना सकते हैं। 1, मोनास्टिक फिलॉसफी। जिस तरह मोनास्ट्री का कोई मंक अपने आप को बाहर की दुनिया से एकदम अलग कर देता है, आप भी उसी तरह कर सकते हैं। इससे आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगा पाएंगे और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। 2,
बीमोडाल फिलॉसफी। इस तरह की फिलॉसफी में आप दो अप्रोच लगा सकते हैं। जब आपको डीप वर्क करना हो तो मंक की तरह बन जाएं और काम खत्म करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आएं। ऐसा कार्ल जंग करते थे, जो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। जब उन्होंने काम करना होता था तो अपने फार्म हाउस चले जाते थे और वहाँ एकांत में रहते थे। काम होने के बाद वे ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड शहर में अपनी सोशल लाइफ में लौट आते थे। 3, रिदमिक फिलॉसफी। इस तरह के डीप वर्क में आप दिन में या हफ्ते में अपने काम का स्केड्यूल बना लेते हो। आप दिन का ऐसा टाइम चुनें जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, फिर हर दिन उसी समय पर उस काम को करते रहें। जैसे बहुत से ब्लॉगर सुबह उठकर अपनी ब्लॉग लिखते हैं, या रात को जब सब सो जाते हैं तब अपने ब्लॉग पर काम करते हैं। 4, जर्नलिस्ट फिलॉसफी। आजकल की लाइफ के लिए फिलॉसफी सबसे ज़्यादा कारगर हो सकती है। जैसे जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखना पड़ सकता है तो उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब आपको कोई ज़रूरी काम पड़े तो आप डीप वर्क वाली मोड में आ जाएं। यह ना सोचें कि अभी मेरा मूड नहीं है या अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगी, इसलिए जब भी काम पड़े तो आप उसमें पूरी लगन से जुट जाएं। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। बॉटम ऑफ द लाइन, फोकस के साथ डूब के काम नहीं करोगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता रहेगा और प्रोडक्टिव भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, विज़न बनाइए, गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और पर डे के टास्क को डीप वर्क मोड में जाके कंप्लीट करते रहिए। सपने जितने बड़े होंगे, डीप वर्क मोड का टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बुक आपको अच्छी लगी होगी। हो सके तो शेयर कर देना, और फर्स्ट टाइम आए हो और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बड़ों को प्यार, छोटों को दुलार और खुद का ढेर सारा ख्याल। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।